नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। इस वीडियो में विदेशी एन एम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विदेशी एन एम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विदेशी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं या वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, सुरजीत सर का बड़ा बयान क्या आया, सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर सुरजीत सर क्या बड़े कदम उठाए, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्किप करके देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता, आपके मन में जितना भी डाउट आता है वो डाउट क्लियर नहीं हो पाता। तो अभी सुरजीत सर का बड़ा बयान क्या आया है, सुप्रीम कोर्ट केस को लेके क्या बड़े कदम सर उठाए हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सुरजीत सर तीन एडवोकेट को रखने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए, जहाँ एक एडवोकेट की बातचीत हो रही थी वहाँ पे सुरजीत सर तीन एडवोकेट को रखने जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम आपको बताएं जो एक एडवोकेट को बातचीत हो रही थी, एक एडवोकेट को ही रखना, बट सुरजीत सर अपने अनुभव के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, इसलिए तीन एडवोकेट को रखने जा रहे हैं सुरजीत सर, क्योंकि ये सुरजीत सर का पहला बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर, ठीक है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले सर से बातचीत हुई है और सर एक एक करके पूरी जानकारी बताए। हाँ, जो तीन एडवोकेट कौन कौन हैं इनका नाम हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब कंफर्म हो पाएगा उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा कदम सर उठा लिए हैं और हर हाल में ये केस को जीतना है, इसलिए इतना बड़ा कदम जो है सुरजीत सर उठाए हैं। तो इसके लिए आप लोग को, सभी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को फंडिंग करना। एक स्टूडेंट जानते हैं, ओम प्रकाश कुमार गुप्ता के नाम से एक स्टूडेंट है, 200 रुपया सर पे जो है ना ये ट्रांसफर किया। आप सोचिए, ये चंदा आप दे रहे हैं, ये सत्यनारायण भगवान के पूजा हो रहा है, आप 200-250 दे रहे हैं। एक स्टूडेंट 50 रुपया दिए, सर उसको वापस कर दिए और सर बोले भी है जो क्या आप चंदा दे रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट केस करने के लिए पेमेंट दे रहे हैं ये 200, तो सर लौटा दिए। और जब सर बोले तो सर ही पर बोले जो अगर आपको लगता है सर चंदा है तो वापस कर दीजिए, तो सर वापस कर दिए। आप बताइए, 200 रुपया कोई चीज़ है, कम से कम 1000 रुपया 2000 रुपया पहले बता दी, आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, तो हाथी को पालिएगा तो फिर उसका खर्चा भी ज्यादा है ना हर चीज। एक एडवोकेट का मिनिमम चार्जेज है 4 लाख, आप सोचिए, और जो सर एडवोकेट रखे हैं ना उसका चार्जेज एक एडवोकेट का है 8 लाख 9 लाख, एक हेयरिंग का चार्ज, सोचिए। तो सर जो है सोच समझ के ही एडवोकेट को हायर किए, ताकि एनी हाउ हम लोग को केस जीतना, ठीक है। और पिछले 23 साल से सर केस ही लड़ रहे हैं, सुरजीत सर पिछले 23 साल से केस लड़ रहे हैं, 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। कौन सा एडवोकेट को रखना है, कौन सा एडवोकेट को नहीं रखना है, कहाँ पे कौन सा एडवोकेट को फेस करना है, ये सर से बेहतर कोई नहीं जानता, ये आपको भी पता होना चाहिए। और अभी सर से बातचीत हुई है, सर बोले हम तीन एडवोकेट को रखने जा रहे हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं, जब तीन एडवोकेट को रखने के लिए जा रहे हैं तो फिर पेमेंट भी ज़्यादा खर्च होगा, इसके लिए आप लोग फंडिंग नहीं करेंगे, 200-250 फंडिंग करेंगे तो क्या ये सत्यनारायण भगवान पूजा हो रही है, ये यज्ञ हो रही है, अठिजाम हो रही है, जिसमें आप 200-250 जो चंदा कर रहे हैं, 50 रुपया चंदा कर रहे हैं, बताइए। तो ऐसे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अब बताइए, सर आपको बोले तो आप बोले लौटा दीजिए, इससे क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं, हमको ये बताइए। नहीं है मत दीजिए, नहीं है आप दीजिए ही मत, 200-250 देने से क्या मिलेगा, हमको ये बताइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए जा रहे हैं और तीन तीन एडवोकेट को सर हायर किए हैं, अब सोचिए, वो भी सभी बड़े एडवोकेट हैं, एक एक एडवोकेट को जो सर हायर किए, मिनिमम चार्जेज है तो 4 लाख रुपया मिनिमम चार्जेज। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट जोर शोर से सर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सर बहुत बड़ा कदम उठा लिया और सर चाहते हैं जो एनी हाउ ये केस हम लोग जीते, कोई कीमत पर केस हम नहीं हारे, ठीक है। आप बताइए, तीन जो एडवोकेट रखे हैं तो सर अपना ही पेमेंट में लगाएंगे, क्योंकि 4 लाख रुपया भी अभी तक हम लोग से नहीं पूर पाया, 42-43 हज़ार रुपया अभी भी घट रही है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए,
जहाँ एक एडवोकेट हम लोग नहीं रख पा रहे थे, वहाँ तीन तीन एडवोकेट जो है सोची सर रख रहे हैं। तो अपना ही पेमेंट लगाएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा हमको ये बताइए। आप लोग खुद सोचिए, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। मेरा हर वीडियो में सर का स्कैनर रहता, मेरा हर वीडियो में सर का नंबर रहता, ठीक है। तो मिनिमम आप लोग कम से कम 1000 रुपया कीजिए, इससे कम नहीं कीजिए। आप 200-250 कोई चीज़ हम ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस लड़ने के लिए जा रहे हैं और 200-250 आप चंदा दे रहे हैं, बताइए। इतना तो सरस्वती पूजा का भी चंदा नहीं होता, सरस्वती पूजा में भी हम 1000 रुपया चंदा दिए थे। आप सोचिए, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट अपना जो है, ठीक है, सहयोग राशि सर को दीजिए। 32,127 स्टूडेंट, ठीक है, अपना स्टूडेंट पावर दिखाइए, क्योंकि सर बहुत बड़ा कदम उठा लिए सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर, और पूरे सर एक्टिव है, पूरे एक्टिव मूड में है। तीन तीन एडवोकेट को रखना मायने रखता है, समझे कि जहाँ पर हम लोग एक एडवोकेट को नहीं रख पाए, वहाँ सर तीन तीन एडवोकेट को हायर किए, क्योंकि सर चाहते हैं एनी हाउ ये केस हम लोग जीते, ठीक है। इसीलिए सभी स्टूडेंट जितना हो सके कम से कम आप लोग 1000 रुपया कीजिए और अपना स्टूडेंट पावर दिखाइए। ये नहीं है हम लोग को केस जीतना है, कोई कीमत पर केस हारना नहीं है, ठीक है। तो जितना स्टूडेंट मेरा वीडियो देखते हैं 32,127 एनएम बहन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाह रहे थे, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और डिटेल्स में अभी 12 बजे लाइव आते हैं तो डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं जो ये बड़ा कदम सर क्यों उठाए, इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिए सर, तीन तीन एडवोकेट क्यों रख रहे हैं, ये सब हम 12 बजे लाइव आएंगे तो उसमें डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।